मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं। 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था, करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता, भगवान जाने, कई किसान हमारा मर रहे थे करंट मोटर लगाने रात में जाके, किसी को बिच्छू काटा, किसी को सांप काटा, किसी को शाक लग गया, पीने का पानी नहीं था, सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था, आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे, बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से, आप लोग जानते हैं नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, रोज आना जाना है, आपके लोग लाखों लोग हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में, किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं किसानों को, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं, कोई जाके कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके, तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर भी लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं, 4 कदम यही आप आदिलाबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100% मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। 70 लाख किसानों का हमने ऐसा किया है, अभी तक करीब करीब 1 लाख किसान जिनका मृत्यु हुआ उनके घर पैसा पहुंच गया है, और किसानों के लिए 10,000 रुपए हर एकड़ को निवेश के लिए देते हैं, हर एकड़ को, और खरीदारी दान जितना भी उगता है पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है, सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके। ये चीज जब तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, इसलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं, जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, फिर बनाएंगे किसान सरकार, टंडा टंडा बोल रहे आप, बनाएंगे किसान सरकार, इसलिए मेरा आप लोगों से विनंती है। दूसरी बात, ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई, आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए, इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास, देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, 361 कार्टन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया, 361 बिलियन
टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए ये कोयला सीमा बस है। और कोयला कहाँ है? कहीं आकाश में है, यही है हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड़ में है, हमारे गुग्गुस कालरिस में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता। ये क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें काल में दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है, कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है, इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे।